मुझे तो लगता है कि परी का घर पर बात करने की ख्वाहिश हसरत ही रह जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी की वजह से परी आज इस हाल में, यही है जो कुलसूम आंटी के साथ मिलकर बाबर और परी के दरमियान दूरियों का सबब बनी है। नवीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझे परीसा से अलग होने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मरने के लिए कह रही हो। कोई किसी के लिए नहीं मरता भाई। मेरी वफा।